हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट सा पूरी तरह से वेज रेसिपी, पालक पनीर की रेसिपी बिना लहसुन और प्याज के। तो आप लोग मेरे रेसिपी को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने पालक को धो करके अच्छी तरह से काट करके यहाँ पर गर्म पानी में थोड़ा सा टाइम के लिए ब्लांच कर लिया। इसको पूरा बॉयल नहीं करना है, सिर्फ आधा मिनट के लिए मैंने इसको ब्लांच किया। अब मैं यहाँ से पालक को डायरेक्ट फ्रीज के एकदम ठंडा पानी में इसको दे दूंगी ताकि इसका जो कलर है वो मेंटेन रहे। ऑयल में थोड़ा सा अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च मैंने दे दिया। यहाँ पर मैंने सारे पालक के पत्ते को निचोड़ लिया है, इसका सारा पानी मैंने निकाल कर रख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर दे देती हूँ ऑयल में। और यहाँ पर ले लिया है एक ग्रीन चिली और कुछ कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो इसको ऐड मत कीजिए। ये कुछ फ्राई हो चुका है और इसमें मैंने लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, पूरी तरह से ये वेज रेसिपी है। अब ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर। मैं इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2-3 सेकंड के लिए इसको फ्राई करके ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं एक मिक्सिंग जार में ले लेती हूँ। इसका एक फाइन प्यूरे बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ पनीर के क्यूब्स ले लिए हैं और अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा दे दिया ऑयल। ऑयल में मैं पनीर को थोड़ा सा शैलो फ्राई करूंगी। एक्चुअली इस रेसिपी में, पालक पनीर की रेसिपी में, पनीर कच्चा यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करके ऐड करूंगी। पनीर को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है, अब इसको निकाल लेती हूँ। अब जो भी ऑयल यहाँ पर बचा हुआ है उसमें मैं इस प्यूरे को दे लेती हूँ। यहाँ पर ग्रेवी एकदम ठीक हो चुका है, इस स्टेज पर मैं ये पनीर के क्यूब्स ऐड कर देती हूँ। और अब ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। और याद रखने वाली बात यह है कि हमने पहले भी थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया था। और अब ऐड करूंगी मैं मिल्क और मलाई। आप लोग चाहे तो यहाँ पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दूध को एकदम गाढ़ा कर लिया है, फिर मैंने ऐड कर दिया। और अब दूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी को, मैंने हाथों में अच्छी तरह से मसल कर इसमें ऐड कर दूंगी। ये मेरा रेसिपी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अगर आपको आज का ये सिंपल सा क्विक सा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।